सब्सक्राइब चैनल एंड द गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर YouTube चैनल सर अब्दुल सत्तार खान 10th इंग्लिश माय इंग्लिश कोर्स बुक 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक चिटचैट इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए लेट्स बिगिन चिट चैट <coughs> who am i identify the character from the extract i am washerman's son who am i sitaram i am the owner of the bank who am i i am the sweeper who am i i am the friend of mrs Srivastava. who am i i am the hairdresser who am i i have a crooked leg who am i the first answer is Sitaram, second Seth Govindaram, third Nathu, fourth Mrs. Bhushan, five Deepchand and sixth Old Ganpat. Make a list of customers of People Nagar Bank from the extract. Match the following and add the complete meaningful sentences. Bank customers, Olganpa Deepchand, People of Peoplenagar, Nagar, Mr. Bhushan. Sitaram was looking out for any job that might suit Nathu. According to Mrs. Bhushan, it was the hottest summer in the history of People Nagar. Govindram was holidaying in Kashmir. The manager told the customers to go home and come back the next day. Right? Who said to him, Don't raise such dust. Who would have thought the bank would collapse? Where did you disappear? The bird has flown. Sitaram said to Nathu, second Nathu said to himself, third Mrs. Bhushan said to her husband, and fourth the elderly gentleman said to Deepchand the barber. Cross out the ward man out, sweeper, hooligan. Beggar, declare, locker, hurriedly, carelessly, salary, definitely, suddenly, imminent, latest, pavement, awful, shocking, morning scattering, raising, collecting, shouting. Find describing words for the following from the text. Or may not, first one is declare, second, salary, third, pavement, fourth, morning. Describing words. फर्स्ट इज कस्टमरी टूर सेकेंड बार्बर शॉप थर्ड क्रैक्ड विंडो फोर्थ क्रुग्ड लेग सिंपल फैक्चुअल एक्सटिविटीज क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन नाथू। द कैरेक्टर ऑफ नाथू नाथू वॉज अ स्वीपर वर्किंग विद द पीपल नगर बैंक ओन बाय सेठ गोविंद राम नाथू जो है ये एक स्वीपर था जो पीपल नगर बैंक में काम करता था सेठ गोविंद राम की ही वॉज अननाइड बिकॉज बैंक हैड नॉट पेड सैलरी वो गुस्से में था क्योंकि बैंक ने उसकी तनख्वाह नहीं दी थी तो दे आर द लास्ट डेज ऑफ द मंथ चूँकि महीने का आखिरी दिन थे ही वॉज स्वीपिंग हरीडली एंड केयरलेसली बिकॉज ही was नॉट happy विद द ओनर ही was थिंकिंग ऑफ leaving that जॉब वो बेतरतीबी से झाड़ू मार रहा था और वो उसके मालिक से परेशान था क्योंकि वो नौकरी छोड़ना चाहता था द कैरेक्टर ऑफ सीताराम सीताराम का कैरेक्टर कैसा है सीताराम वॉज अ वॉशरमैन सन सीताराम एक धोबी का लड़का था ही ओज टू डिलीवर फ्रेशली प्रेस्ड क्लोज टू एवरी होम वो रोज़ाना इसी किए हुए कपड़े सुबह में ले जाकर लोगों को दिया करता ही प्लॉटेड बेर फूट अलॉन्ग द रोड टू डिलीवर अ बिग बैंडल ऑफ क्लोस ऑन इज हेड और वो नंगे पैर ही बड़ा थैला अपने सर पर रख कर ले जाता ताकि लोगों को कपड़े दे सके ही वॉज अ हेल्पफुल पर्सन वो लोगों की मदद करने वाला मददगार आदमी था ही वॉज़ ग्लैड डेट ही वुड बी फर्व अबोटू कस्टमर एंड ना नाथू और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों के काम आए अपने गाहक कस्टमर और अपने एक दोस्त के क्वेश्चन नंबर वन ए टू ऑर्डरिंग सेंटेंसेस यानी जुमलों को तरतीब में लगाना है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द द सीक्वेंस इन पैसेज नाथू कंप्लेन अबाउट इज इेगुलर पे नाथू यूज्ड टू यूज्ड द स्मॉल ब्रोम हरीडली थर्ड सीताराम नाथू नाथ फोर्थ नाथू ग्रम्बल बैंक इसका सही तरतीब है ऑर्डर का आंसर है नाथू ग्रम्बल डाइज द स्टेप्स ऑफ द बैंक सेकेंड नाथू यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली थर्ड सीताराम कॉल्ड आउट टू नाथू फोर्थ नाथ कंप्लेन अबाउट हिस्स इनरेगुलर पे क्वेश्चन नंबर टू कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है वॉट क्वालिटीज डू यू फाइंड इन सीताराम सीताराम की खसूसियात बयान कीजिए सीताराम वॉज अ हार्ड वर्किंग यंग बॉय सीताराम एक मेहनती लड़का था ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स एंड सिंपेथिक सिम्पैथिक टूअर्स सफरिंग पीपल वो हमेशा लोगों की मदद करने जाता और लोगों के साथ सिम्पैथी रखता ही हैप्पी टू सर्व हिस कस्टमर इन फ्रेंड उसे खुशी होती है अपने कस्टमर और अपने दोस्त की मदद करते हुए क्वेश्चन तो नंबर थ्री है व्हाट मेक्स यू एंग्री व्हाट डू यू डू देन? अगर आपको गुस्सा है तो आप क्या करते हैं किस बात से ग़ुस्सा होते हैं सम बैड बिहेवियर और एरोग किसी का बुरा बर्ताव और उस, आ, उसका रोग जो तरीक़कार होता है बर्ताव होता है उससे मुझे गु़स्सा आता है वन आई गेट एन नाइट आई नॉट रिएक्ट विद हाश वर्ड्स और आई ए वायलेंट एक्शन जब मुझे गु़स्सा आता है तो मैं बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल एंड ट्राइंग टू बी टू हिज हर नोटिस और मैं अपने गुस्से को ख़ाबू में रखता हूँ और उसे बताने की कोशिश करता हूँ द रोंग ही शी इज़ डूइंग विथ मी जो भी उन्होंने मुझसे गलत किया आई शल टेक टाइम एंड फ्रो हिम ही हर रॉन्ग और मैं वक्त पर उन्हें बता देता हूँ सबित कर देता हूँ कि वो गलत थे राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट मिसि श्रीवास्तवा मिसि श्रीवास्तवा के बारे में चंद जुमले लिखिए मिसि श्रीवास्तव वॉज सीताराम कस्टमर एंड वाज द लेडी ऑफ़ द हाउस ही विजिटेड मिसेस श्रीवास्तवा सीताराम की कस्टमर थी और वो उस घर की एक माल की थी जहाँ वो जाया करता शी गेव सम इंस्ट्रक्शंस टू द आया एंड द कुक एंड देन वेंट द पीपल नगर मार्केट प्लेस उन्होंने अपने आया और बावरची को कुछ हिदायत दी और पीपल नगर की मार्केट के लिए निकल पड़ी टू मेक हर यूजुअल टूर ऑफ द क्लॉथ मार्केट और अपने हमेशा के जो टूर था कपड़ों के बाजार का था वो वहाँ पर जाया करती एट वन एंड ऑफ द बाज़ार मेट हर फ्रेंड मिसेस भूषण और बाजार के किनारे पर वो अपनी दोस्त मिसेस भूषण से मिली दे बोथ कंप्लेंट ऑफ द हॉट समर एंड दागड अबाउट दैंपल ऑफ क्लॉथ और उन्होंने गर्मी के मौसम के बारे में बढ़ती हुई गर्मी और कपड़े के कलर के बारे में बातचीत की जो सैंपल मिसेस भूषण के पास था देन Mrs. श्रीवास्तव टोल Mrs. भूषण that said Govindram's bank could नॉट pay their स्वीपर फॉर over अ मंथ उसके बाद श्रीवास्तवा ने कहा मिसेस भूषण से कि सेठ गोविंद राम के बैंक ने उनके झाड़ू लगाने वाले लड़के को एक महीने की तनख्वाह नहीं दी शी सीन्स टू बी वेरी टॉकेटिव लेडी एंड वॉज द ट्रूट कॉज ऑफ़ द ट्यूमर अबाउट पीपल नगर बैंक और मिसिज श्रीवास्तवा ही असल वजह बना थी बनी थी और ये बातूनी खातून थी जिसकी वजह से वो, वो अफवाह फैल गई कि पीपल नगर बैंक डूबने वाला है हाउ डिड द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवर कोई भी ख़बर किस तरीके से हर तरफ फैल जाती है द न्यूज़ ऑफ़ द बैंक को लेप स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रेपिटी ऑफ फायर यानी जो बैंक के डूबने की खबर है बाजार में जंगल की आग की तरह फैली from mr. bhushan to mr. kishore, mr. kishore to the barber Deeper, tippchen, deep and the elderly gentleman, and from there to the general merchant, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, then it spread in various directions to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the baker, sitting on the pavement, it played havoc everywhere in people nagar. मिसेस श्रीवास्तव ने मिस्टर भू, मिसिस भूषण से कहा मिसिस भूषण ने मिस्टर भूषण को बोला मिस्टर भूषण ने किशोर को किशोर ने बार बार दीपचंद को दीपचंद ने बूढ़ा आदमी को बूढ़ा आदमी ने जनरल मर्चेंट को जनरल मर्चेंट की तरफ से ये पूरे बाजार में सुपारी फरोश जौहरी सबको फैल गई Explain the character of गोविन्द्राम। गोविन्द्राम के बयान कीजिए थे फिर दे बैंक तो, तो दिवालिया होने वाला है देर वॉज चाउज दीपल ऑफ पीपल नगर और पीपल नगर के लोग परेशान हो गए सेठ वॉल इंग कश्मीर

पीपल नगर में होने लगी वार्ट वर द रूमर्स अबाउट सेठ गोविंद राम सेठ गोविंद राम के मुताले कौन सी अफवाह थी द सेठ हैड फ्लेट द स्टेट यानी सेठ ने रियासत छोड़ दी ही हैड फ्लेट द कंट्री उन्होंने मुल्क छोड़ दिया ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर बैंक या वो पीपल नगर बैंक में छुपे हुए हैं ही हैर हैंग हमसेल्फ फ्राम दाम ट्री या फिर उन्होंने अपने आप को इमली के दरख्त से टा कर खुदकशी कर ली है वाई वॉज द मैनेजर ऑफ़ पीपल नगर बैंक इन अ डिलेमा पीपल नगर बैंक का मैनेजर क्यों परेशान था द स्मॉल बैंक ऑल इट्स रेडी कैश एंड सो दर्रास्ट मैनेजर वॉज इन अ डिलेमा वो जो छोटा सा बैंक था उसकी पूरी कैश खत्म हो गई थी नकदी ख़त्म हो गई थी और मैनेजर परेशान था बैंक वॉज शॉर्ट ऑफ कैश इमरजेंसी फूड्स फंड्स कुड ओनली बी ऑप्टेंड फ्राम एंड ही ही कुड परस द क्रॉर टू वेटिल देन जो इमरजेंसी फंड्स है वो अगले बैंक से जो वहाँ से तीस मील की दूरी पर था वो अगले ही दिन मंगाए जा सकते थे लेकिन जितनी भीड़ थी उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था देर वॉज नो अ ऑफ कॉन्टेक्टिंग शेर गोविंद राम हु वॉज ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर सो द मैनेजर वॉज इन अ ग्रेट ड और कोई तरीक़ा नहीं था कि वो सेठ गोविंद राम के साथ तल्लु कोई कांटेक्ट बना सके इसीलिए मैने मैनेजर जो है वो बहुत परेशान था हेव यू एवर हर अबाउट रूमर्स एक्सप्लेन इन डिटेल कभी आपने अफवाह सुनी है तो जरा मुफसर बताइए येस आई हैव experienced ओनली हर्ड बट that हैव एक्सपीरियंस डेट हैज़ हाम पीपल हाँ मैंने ऐसी ही जो अफवाहें सुनी थी जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ वी हैड बिन टू अ थेटर टू वॉच अ मूवी हम एक थिएटर में गए थे फिल्म देखने इट वॉज द फर्स्ट शो ऑफ द मूवी और फिल्म का पहला शो था द मिडल ऑफ द शो परसन शॉट फायर शॉट एड फायर फायर अचानक बीच में से एक आदमी आग आग चिल्लाने लगा पीपल इन द थिएटर लेफ्ट देर सीट्स इन फ्राइट एंड रैं हेल्टर स्केल्टर टू द एक्सिट्स ऑफ आवर सेफ्टी लोग इधर उधर भागने लगे अपने आप को बचाने लगे मैन फेल एंड वेर ट्रेम्पल्ड अंडर फूड इन द रश आदमी गिर गए बहुत मैनी फेल बहुत सारे लोग गिर गए और पैरों के नीचे कुछ ले गए इट वॉज एन आ सीन ये बहुत ही न, मुश्किल हालात थे ट्रुथ केम टू लाई डेट दिसक्रियट वॉज एन एजेंट ऑफ़ ए प्रोड्यूसर हु वाटेड द मूवी टू फेल और हमें पता चला कि जो अफवाह फैलाने वाला था वो प्रोड्यूसर का एक एजेंट था जो इस फिल्म को नुकसान पहुंचाना चाहता था लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर रूमर्स स्प्रेड आर द रूमर्स हार्मफुल भाई अफवाह कैसे फैलती है और अफवाहों को नुक़सानद है क्यों The rumour mongers talk to some people about a news which is not true, they talk to others and it goes from one person to another and it spreads like forest fire. They generally don't think if the news is reliable or rational or false. Some rumors are harmful and some harmless. The rumours that are spread intentionally to harm the sometimes sentiments of the people are harmful, these rumours depress, disturb and cause harassment to people. the rumors that are spread just for fun are harmless but they too they fool people यानी जो जा अफवाह होती है वो वो बहुत बुरी होती है ऐसी ख़बरें कभी अच्छी भी होती है कभी बुरी भी होती है लेकिन ज़्यादातर बुरी होती है इससे लोगों को नुकसान पहुँचा पहुँचता है जंगल की आग की तरह फैल जाती है इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुँचता है वो बहुत नुकसानद होती है लोग परेशान हो जाते हैं तो हमें इससे बचना चाहिए उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदा हाफिज़